हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं टीपी लिंक का वाईफाई राउटर, जो कि एक ट्रैवल राउटर है, जो कि मुझे 1700 रुपये का मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है और मल्टी मोड और कॉम्पैक्ट डिजाइन, और एक ट्रैवलर एडाप्टर है जो कि आप कहीं भी इसको साथ में ले जा सकते हैं। 3 ईयर का वारंटी है और वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी जो कि टीपी लिंक है, तो उसका ये राउटर है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करते साथ पहले नंबर पर हमको एक डिवाइस देखने को मिलता है, उसके नीचे भी कुछ इसमें लगा हुआ है, तो वो मैं खोल लेता हूँ, जल्दी से आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर कुछ हमको केबल्स मिली है और एडेप्टर है। इसका एडेप्टर है, अगर आप इसको घर में यूज़ करना है तो एडेप्टर से मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ केबल्स और ये डॉक्यूमेंट मिला है। इसमें एक यूजर मैनुअल है और ये इसका वारंटी कार्ड है। इसके अलावा वाईफाई का जो पासवर्ड है तो वो यहाँ पर नीचे की साइड पर लिखा हुआ है। इसके बाद ये हमारा फाइनली अडेप्टर है, इसको मैं निकाल लेता हूँ पैकेज से। तो इसमें लिखा भी है टीपी लिंक और ये बिल्कुल छोटा सा है, आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और यहाँ पर एक डुअल बैंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर 3G 4G USB रीसेट का बटन है, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है और यहाँ पर कुछ मोड्स दिए गए हुए हैं। पीछे की साइड पर यहाँ पर वाईफाई का यूजर नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर सीरियल नंबर है, और ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 5000 से कम का है तो आप इसको ले सकते हैं, ये मात्र 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपको डॉगल भी लेना पड़ेगा, तो आपको 5000 से अराउंड आपका बजट हो जाएगा। यहाँ पर एक दो केबल देखने को मिलती है, पहली लैन है और दूसरी है इसका पावर एडाप्टर, जो कि आप पावर बैंक के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसको अभी हम सेटअप करेंगे फाइनली। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं MI का पावर बैंक। अगर आप इसको कहीं भी ट्रैवल में ले जा रहे हैं तो आप पावर बैंक के साथ भी इसको चालू कर सकते हैं। और इसके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं हुवाई का वाईफाई डॉगल, जो कि वाईफाई है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एयरटेल का सिम, एयरटेल का 4G सिम है, जो कि हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा डॉगल फाइनली सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम इसमें पहले नंबर पावर कनेक्ट करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से केबल लगा देनी है, तो यहाँ पर USB की जगह पर ये आपको लगा देनी है, तो ये तुरंत ही ऑन हो जाएगा। इसमें लाइट भी दिखने लगी है। और ये जो वाईफाई की जो डोंगल है, इसको भी हम यहाँ पर 3G 4G USB लिखा है उधर पर, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया फाइनली, हमारे ये सेटअप कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें खाली हमको इंस्टॉलेशन करना है, तो अभी हम इसका डोंगल का ऑन होने का वेट करते हैं। इसमें 30 से 40 सेकेंड का टाइम लगता है ऑन होने में। देखिए यहाँ पर तीनों लाइट जलने लगी हैं, इसका मतलब ये चालू हो गया है। तो चलिए, ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा साइज आपको देखने को मिलता है, कहीं भी आप कैरी करके बैग वगैरह में ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए हमको जरूरत होगी कंप्यूटर की। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी ये सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाना है आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है टीपी लिंक नेट। ये सर्च करने के बाद जो पहली नंबर की लिंक आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिखा होगा टीपी लिंक वाईफाई नेट। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर की साइड पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना है। और जो जहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको मांग रहा है वो भी मैं आपको कमेंट में लिख के दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो जब आप इसका सेटअप कम करें तो आप इसको डिवाइस को ऑन कर लें। इसके बाद आप, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर से आप कनेक्ट ही करें। देखिए ये मेरा पूरा इसका सेटअप खुल चुका है टीपी लिंक का। यहाँ पर ऊपर नाम भी दिख रहा है, AC75 वाईफाई ट्रेवल एडेप्टर। तो यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर लिखा है क्विक सेटअप स्टेटस के नीचे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्विक सेटअप, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर वायरलेस राउटर और 3G 4G राउटर। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके घर में पहले से इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वायरलेस राउटर पर क्लिक करिए। अगर आपको सिम डाल के यूज करना है तो 3G 4G राउटर पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं सिम का यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं 3G 4G पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैंने एयरटेल का सिम लगाया हुआ था, तो यहाँ पर एयरटेल लिख के आ गया है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर एयरटेल जो भी आपका सिम डाला था वो यहाँ पर आ गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर 2.5 GHz और 5 GHz पर आया होगा, तो आपको सिंपली दोनों पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपन वायरलेस का नेम भी चेंज कर सकते हैं, तो लेकिन अगर आपको जो भी आपको नेम डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं कुछ नहीं यहाँ से करूँगा, आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा आपको देख लेना है, यहाँ पर सब कुछ सही है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इसमें प्रोसेसिंग होने में। आपका याद रहे आपका एडेप्टर ऑन होना चाहिए, तो 2 से 3 मिनट का हम टाइम लगता है। तो चलिए 2 से 3 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। हमारा फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्विक सेटअप पे आप देखिए कुछ इस तरीके से आने लगा है, इसका मतलब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम अपना इसका स्पीड टेस्ट करते हैं कि हमको स्पीड इसमें कितनी देखने को मिलती है। तो चलिए हम स्पीड टेस्ट करते हैं। उसके लिए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर में स्पीड टेस्ट पर। यहाँ पर रन इस ओकला में हम जाते हैं, ओकला से अपना स्पीड है वो टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन आ चुका है। जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो हमको जो वाईफाई की स्पीड है वो हमको देखने को मिलती है 26।